नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार आपका डीवी रिव्यूज पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्कूटी पेप 2003 में लॉन्च हुई थी। ये 2004 की परचेस है और ये ऑलमोस्ट जो है 16 ईयर्स ओल्ड है। तो अगर मैं इसकी वेट से बात करूँ तो इसका वेट जो है 85 kg है इसका टोटल वेट। साथ ही में जो है अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन बहुत लोगों को पता ही है कि स्कूटी पेप की कैसे डिज़ाइन है। ये पेप प्लस नहीं है, सिर्फ स्कूटी पेप है। तो इस तरह के आपको जो है यूजुअल जो स्कूटी की जो डिज़ाइन है पेप की, जो आजकल भी हमें देखने नहीं मिलती है नई मॉडल्स में, ऑलमोस्ट वैसी ही है जब ये 2003 में लॉन्च हुई थी। और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो आपको पता ही होगा कि सारी तरफ जो है यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ किया है, सारी तरफ जो आपको प्लास्टिक देखने मिलेगा, यहाँ पे फ्रंट साइड में हो, बैक साइड में हो, स्टेयरिंग हो, पूरी तरह से जो आपको प्लास्टिक की बिल्ड जो है देखने मिल जाती है इस तरह से। यहाँ पे जो थोड़ा कार्बन फाइबर की जो है फिनिशिंग ऐसी दिखाई है, लेकिन ये भी पूरा जो है प्लास्टिक आपको देखने मिल जाएगा। अगर मैं व्हील्स की बात करूँ तो इस तरह के जो आपको इसमें व्हील्स देखने मिलेंगे, ये फ्रंट व्हील है और यहाँ पे जो हमें ड्रम ब्रेक्स देखने मिलते हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों में भी हमें ड्रम ब्रेक्स जो है देखने मिल जाते हैं। और सस्पेंशन जो है हाइड्रोलिक डैम सस्पेंशन जो हमें देखने इसमें मिल जाता है। ये जो इसका पीछे वाला व्हील है, बैक साइड वाला, इस तरह से आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे जो हमें साइड स्टैंड देखने मिलता है यहाँ पे, और ये सेंटर वाला जो है स्टैंड देखने मिलता है। यहाँ पे हमें जो है कीक देखने मिलेगी, यहाँ पे फुट रेस्ट है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फुट रेस्ट है, सेम फुट रेस्ट दूसरे साइड में आपको देखने मिलेगा। फिर जो है यहाँ पे हमें जो है पीछे हुक मिलता है ये इस तरह से, जहाँ पे वेट लिखा गया है मैक्स लोड अप टू 3 kg ये पीछे वाले साइड में यहाँ पे। साथ ही में जो है हमें यहाँ पे हेडलाइट्स मिलती है आगे की तरफ, यूजुअल है। अब ये टर्न ऑन नहीं होती, अगर मैं ट्राई करूँ इसे ऑन करने का तो ये जो है ऑन नहीं होती है। यहाँ पे बटन मिलेगा आपको, तो इस तरह से हेडलाइट जो इसकी बंद है। साथ ही मैं आपको टेल लाइट्स दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो आपको टेल लाइट्स देखने मिलेगी। फिर आपको स्पीडोमीटर दिखा देता हूँ मैं कि 2003-04 के मॉडल में किस तरह का स्पीडोमीटर देखने मिलता था हमें। तो इस तरह का जो स्पीडोमीटर आपको देखने मिलेगा यहाँ पे कुछ 8616 किलोमीटर पे जो है ये बंद हो चुका है, गिनना कि कितना किलोमीटर ये गाड़ी चली है। साथ ही में 90 किलोमीटर की जो है टॉप स्पीड यहाँ पे देखने मिलती है। फ्यूल इंडिकेटर भी जो है इसका बंद हो चुका है, अगर मैं इसे ऑन पे रखूँ, ये अभी ऑन पे ही है, तो भी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने नहीं मिलेगी। बस जो है टर्न लाइट जो है, टर्न लाइट का इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा इस तरह से, और आवाज़ आती है। बाकी जो है आपको स्पीडोमीटर में बाकी सारी कुछ चीज़ें आपको देखने नहीं मिलेगी। यहाँ पे बटन्स देखने मिलेंगे आपको, कलर वगैरह यहाँ पे जा चुका है उनका, ये साइड बटन है साइड लाइट्स के लिए। यहाँ पे जो है हॉर्न है हमारा, बजता है अभी भी आफ्टर 16 ईयर्स। यहाँ पे जो है स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है, तो इसे स्टार्ट करके दिखा दो आपको, एक ही झटके में जो ऑन हो जाती है इस तरह से, और आवाज़ जो है कुछ आपको इस तरह की आएगी अगर रेस दूँ तो मैं। मैं आपको फिर से एक बार जो रेस दे के दिखाता हूँ और इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। तो इस तरह से जो ये काम करती है आफ्टर 16 ईयर्स भी, मतलब एटलीस्ट ऑन होती है और चलती है अच्छे से। मैंने राइड क्वालिटी भी इसकी देखी है, लेकिन ये 16 ईयर्स ओल्ड है तो उसके बारे में हमें ज़्यादा बात नहीं करनी है। यहाँ पे हमें की पॉइंट देखने मिलता है इस तरह से, इसमें ऑन ऑफ एंड लॉक का ऑप्शन है, और आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको साइड मिरर्स जो है देखने मिल जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे एक मिरर है वो भी इंटैक्ट है, कुछ उनमें प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, जैसे कि वैसे ही है। साथ ही में जो है स्टेयरिंग कुछ इस तरह से आपको देखने मिलेगा, छोटा है, ज़्यादा बड़ा स्टेयरिंग नहीं है, ज़्यादा लेंथ वगैरह पे भी नहीं है, ज़्यादा वाइड नहीं है। और साथ ही में जो अगर मैं इंजन की बात करूँ तो इंजन जो है आपको इसमें पेट्रोल इंजन मिलेगा, 74.06 cc सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4.1 bhp के साथ 5 nm के टॉर्क के साथ। अगर आप नए स्कूटी के साथ भी कंपेयर करोगे, नई स्कूटी पेप या फिर स्कूटी पेप प्लस, तो उनके भी इंजन में जो है ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है पावर में, टॉर्क में वगैरह। और इसकी टॉप स्पीड जो बताई गई थी बहुत सारे वेबसाइट्स में बताई गई है 2003 और 4 के हिसाब से 70 km/h बताई गई थी, और अभी अगर हम इसे भगा रहे हैं तो अराउंड 40 km जो है दौड़ती है, मतलब टॉप स्पीड इसकी लगती है हमें, उससे ज़्यादा फास्ट जो है ये जाती नहीं है। साथ ही में अगर आपको फूड स्पेस वगैरह दिखा दूँ तो यहाँ पे इस तरह से आपको फूड स्पेस देखने मिलता है। अगर मैं यहाँ पे अगर कोई 5 फुट वाला इंसान वगैरह अगर बैठे यहाँ पे,
तो आपको जो है कुछ इस तरह से जो है फूड स्पेस आपको देखने मिल जाएगा। सिटिंग स्पेस जो है ठीक ठाक है, इस तरह से आपको सिटिंग स्पेस मिल जाएगा। अगर पतले लोग हैं तो 3 जन अभी भी जा सकते हैं, नई वाली स्कूटी की बात कर रहा हूँ मैं, और उसमें भी जो ऑलमोस्ट इतना ही स्पेस है, ज़्यादा स्पेस इसमें इम्प्रूव नहीं हुआ है। अभी मैं अगर सीट के नीचे आपको स्पेस दिखा दूँ तो आपको यहाँ पे की लगानी पड़ती है, और फिर यहाँ पे जो है अंडर सीट आपको इतना जो है बूट स्पेस जो देखने मिल जाएगा। इसके नीचे एक हेलमेट है, फिर यहाँ पे बॉटल है कुछ, यहाँ पे ये रखे हैं पेपर्स वगैरह, यहाँ पे एक बॉटल है। तो बूट स्पेस जो है अंडर सीट जो स्पेस है अच्छा देखने मिलता है। यहाँ पे जो है फ्यूल कैप है, यही से आपको पेट्रोल भरवाना पड़ता है, और इसमें जो है फ्यूल टैंक जो है ऑलमोस्ट 5 लीटर की है। और अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ, 2003-04 में इन्होंने जो बताया था TVS वालों ने, तो उसका तभी का जो माइलेज था ये 42-45 KMPL देती थी, लेकिन अभी जो है मुश्किल से जो है 15-20 km/L जो है ये चल पाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 16 ईयर्स ओल्ड है, तो डेफिनेटली हम उतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस तरह से अभी जो इसका माइलेज वगैरह मिलता है। अगर राइड क्वालिटी की वगैरह बात करूँ, मतलब 16 ईयर्स के बाद भी तो राइड क्वालिटी में मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है। सस्पेंशन बहुत ढीला लग रहा है, मतलब अगर कोई थोड़ा भी अगर स्पीड ब्रेकर या फिर पॉटहोल वगैरह आता है तो बहुत जम करती है स्कूटी, अदरवाइज जो राइड क्वालिटी ठीक ठाक लगी। और स्पीड मैंने आपको बता दी कि जो है 40 किलोमीटर की टॉप स्पीड लगती है, और गाड़ी जो है अगर ढलान वगैरह पे अगर आप चढ़ा रहे हो तो ज़्यादा टाइम लेती है, अगर डबल सीट वगैरह हो गए तो। सिंगल सीट पे जो है अभी भी अच्छे से काम करती है, लेकिन इसे ज़्यादा हम चलाते नहीं हैं, घर में ही रखते हैं, मतलब जो इसे यूज़ करते हैं वो इंसान इसे जो घर में ही रखते हैं, ज़्यादा यूज़ वगैरह नहीं करते, क्योंकि पहली बात तो माइलेज नहीं देती, दूसरी बात जो है पावर नहीं अच्छी से इसमें होती है, और तीसरी बात जो है कभी भी बंद पड़ सकती है छोटी मोटी चीज़ों के वजह से। अगर इसकी लॉन्च प्राइस की बात करूँ, जो 2003 में लॉन्च हुई थी और ये जो 2004 में मॉडल परचेस किया था, तो उन्होंने जो ये मॉडल कुछ 18-20,000 में जो परचेस किया था 2003-04 के हिसाब से बता रहा हूँ, और अभी अगर आप स्कूटी पेप प्लस लेने जाओगे या फिर पेप लेने जाओगे तो उसकी जो प्राइसिंग अराउंड 50-60,000 के बीच में आपको जो है देखने मिल जाएगी। तो उस तरह की आपको इंप्रूवमेंट देखने मिलती है नहीं नई स्कूटी में, आप वो पता कर सकते हैं नई स्कूटी वगैरह देख के खरीद के। लेकिन मुझे जो है डिज़ाइन वाइज जो है स्कूटी पेप प्लस हो ऑलमोस्ट सेम ही लगती है, अगर आप अभी के नए मॉडल से कंपेयर करो आफ्टर 16-17 ईयर्स, या फिर ये पहला मॉडल जो है कंपेयर करो। तो इस तरह से स्कूटी पेप जो है मैं आफ्टर 16 ईयर्स जो है देखने मिलती है, अच्छी कंडीशन में है, बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, स्टार्ट होती है अच्छे से चलती है। अगर आपको लोकल वगैरह यूज़ करना है तो डेफिनेटली जो आप ऐसे सेकेंड हैंड मॉडल जो है इसके स्कूटी पेप के आते हैं उन्हें परचेस कर सकते हो, लेकिन जो है 15-16 ईयर्स ओल्ड आप परचेस मत कीजिए, 5-10 मैक्सिमम 10 ईयर्स बोलूँगा मैं, वो भी अगर आपको डील मिल रही है तो ही आप परचेस कीजिए, अदरवाइज परचेस मत कीजिए, क्योंकि इतनी ओल्ड गाड़ी लेके जो है इन्वेस्टमेंट करके जो है कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। तो यही था हमारा फुल रिव्यू इस स्कूटी पेप का आफ्टर 16 ईयर्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस होंगे इसके रिलेटेड, इसके नए मॉडल के रिलेटेड, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।